हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, कल जुलाना के अंदर डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सेमिनार था और उसमें मुख्य रूप से वहाँ सुनील कागसर और रामेश्वर गुरुजी के नाम से जो मशहूर हैं वो आए हुए थे, और उनके अलावा बहुत से नीलिमा जी, सुनील और धर्मेंद्र, संजय सर, बहुत उसमें सीनियर लोग आए हुए थे। तो एक कंपटीशन के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और डायरेक्ट मार्केटिंग सेल के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। तो एक एपिसोड जो कल हमने डाला था, उसके बाद आज ये दूसरा एपिसोड है, उसका पार्ट टू। ये देखिए, आइए लिए चलता हूँ मैं आपको जुलाना की ब्राह्मण धर्मशाला में, और देखिए पूरा। Thank you.
एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। किसी गांव में मैं वेलकम मीटिंग के लिए गया था, वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा नाम रामकिशन सांगवाड़ और गांव पैंतावास कला का सफाई निवासी हूं। हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हूं मेरे स्कूल में और एक सौंप स्कूल के एडिशनल पावर है। मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स 57%, एमए इन इंग्लिश 52% और बीएड। और मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम में जाने वाले मेरे गुरु जी श्री संजय साहवास जी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन 8वीं में 2 वाली फेल। हमारे गुरुओं के गुरु श्री रामेश्वर जी, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गुरु जी श्री सुनील कांगसर जी, हमने इनकी 90 दिन का जो कोर्स है वो हमने अनेक बार सुना है। इन्होंने बहुत कुछ जो अच्छी अच्छी बातें उनमें बताई हैं। मैं अपना व्यक्तिगत विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सुनील कांगसर जी ने जब शुरू की दिन पहला दिन बताया तब मेरे दिमाग में यह आया कि सुनील कांगसर जी ने तो एक दिन में सब कुछ बता दिया, कल क्या बताएं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर 90 दिन इन्होंने नई बात को जो है बताते रहे। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि सुनील कांगसर जी की जो 90 दिन का जो कोर्स सुन लेगा वो 100% सफल होगा अपनी टीम को। अपना अपलाइन के कहनी में रहेंगे वो 100% सफल होंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आशीर्वाद और संदेश आपने हमें दिया। आपने आदरणीय संतोष जी एक्स सरपंच, जो अपने बीच में पता चुके हैं ज्यादा समय में लेते हुए, मैं उनका धन्यवाद सभी की तरफ से धन्यवाद करके खास तौर पर आपके मोबाइल पे खुलता है, आपके मोबाइल पे खुलता है, आपको रेल की टिकट चाहिए आपके मोबाइल।
इसलिए 100 लोगों से बात कर लेता हूं। इस कोविड से पहले मेरे मन में एक विचार था कि मैं एक ड्राइवर रख लेता हूं क्योंकि मेरी ट्रेवलिंग बहुत थी, लेकिन अब उस ड्राइवर की छुट्टी हो गई क्योंकि जून पे सारा काम है, आने जाने की जरूरत है। ये 4G है। बैंकों के अंदर आप देखें जहां पे 50-50 लोगों का स्टाफ होता था वहां पे केवल 4 कर्मचारी हैं, और 5 साल बाद क्या होने जा रहा है पूरा तस्वीर को साफ कर दीजिए। अभी 5G आने वाला है, इसके बाद 6G आएगा और फिर 7G 2025 के आसपास या ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। 7G जब आएगा तो मालूम है क्या होगा। 7G किसको बोलते हैं? महाभारत देखिए सर, आपने रामायण महाभारत, उसके अंदर कुछ लोगों के पास ऐसी अद्भुत ताकत होती थी कि वो यहाँ पे खड़े होते, किसी मंत्र का जाप करते, नारद जी उनमें सबसे ज्यादा फेमस थे, और वो यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं। होता था ना नारायण नारायण, वो अपनी कहीं भी जाके खड़ता था। 7G टेक्नोलॉजी सेम यही काम करने वाली है। आप यहाँ पे अगले 2025 में अगले 5 साल बाद यहाँ पर सेमिनार चल रहा होगा, आप वहां बैठे होंगे, मैं यहाँ पे खड़ा होगा लेकिन मैं यहाँ पे नहीं होगा, कहीं अमेरिका के किसी कनाडा के किसी शहर के अंदर बैठा होगा, वहां खड़ा होकर मैं सेमिनार कर रहा होगा और उस सेमिनार को आप यहाँ देख रहे होंगे। सेम टू सेम बोर्ड भी होगा, पेन भी चलेगा, आप मेरे से हाथ भी मिलाओगे, आप मेरे गले में मालाएं भी डालोगे, और यही सेमिनार आप यहाँ बैठ के देख रहे होंगे। कुछ लोग कुरुक्षेत्र में बैठ के देख रहे होंगे, कुछ लोग लंदन में बैठ के देख रहे होंगे, कुछ लोग टोरंटो में बैठ के देख रहे होंगे, कुछ लोग पश्चिम बंगाल में बैठ के देख रहे होंगे। जब ये काम यहाँ होगा तो रेलवे के अंदर एजुकेशन के अंदर जहाँ पे हिंदुस्तान में कई लाख स्कूल है और वहां पे कई लाख टीचर है, एक टीचर होगा जो ऑफिस में बैठ के खड़ा होकर पढ़ाएगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, केवल 20 टीचर की जरूरत पड़ेगी 20 मार्क्स। अब बताओ क्या होगा। ड्राइवरलेस स्पीकर लॉन्च हो चुके सर, लोग सोच रहे ड्राइवरी कर लूंगा, ओला उबर करा लूंगा। अरे ड्राइवर की जरूरत नहीं, गाड़ी खत्म। हम सोच रहे छोटी मोटी दुकान लगा लेंगे। आज का बच्चा दुकान पे नहीं जाना चाहता, अपने घर में देखो वो मोबाइल पे कहता पापा है मैं लोगों से मोबाइल, किताबें चाहिए ना किताबें, मेरा बेटा है प्लस टू की किताबें चाहिए थी, मैं कहा बेटा बाजार से ले आते, बोले पापा है फोन पे है घर ही आ गई, क्या जरूरत है। ये छोटी छोटी दुकान या कुछ भी हम तो सोच रहे हैं सर, 5 साल बाद कुछ भी रहने वाला नहीं। रेलवे में लग जाएंगे, रेलवे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है भर्ती के मामले में, रेलवे मेट्रो जो है ड्राइवरलेस गुड़गांव में चलती, ड्राइवर ही नहीं होगा। पुलिस में लग जाएंगे, एक और ऑप्शन है, पुलिस में तो हुई है अभी सर, आज से 4 साल पहले दुबई गया था, वहां किसी प्राइवेट कोई पुलिस नहीं है, वहां सिर्फ कैमरे है, 25 लोग एक सेंट्रल रूम में बैठ के पूरे दुबई शहर को ऑपरेट करते। ये सारी की सारी जो दिमाग के अंदर बातें हैं ना, ये कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं बचने वाला साहब, बचेगा एक चीज बचेगी कि लोग 2025 में चाहे कुछ भी हो जाए, रोबोट आ जाए, ड्रोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग सामान कुछ भी खरीदेंगे वो एडवर्टाइजमेंट देख के नहीं खरीदेंगे, वो किसी दोस्त के कहने पर खरीदेंगे, पड़ोसी के कहने पर खरीदेंगे, किसी की रेकमेंडेशन पर खरीदेंगे, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
किया, रोजाना कम से कम एक प्लांट भी दिखाया, तो भी वो जो बच्चे वहां सलोनी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे तो ज्वाइन कहां होंगे सर? आपके नीचे डायमंड कौन जाएगा? हाँ, तो बिल्कुल आज तो मैं और भी ज्यादा अस्वस्थ हो गया। पहले मैं कई बार ये सोचता था कि ये बिजनेस अभी इंटरनेशनल होने वाला है, कुछ ही टाइम में 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, अमेरिका, जापान और बड़े कंट्रीज के अंदर ही जाएगा, तो वहां जाके कौन लोग इस बिजनेस को करेंगे? क्योंकि हम लोग तो ज्यादातर हिंदी बोलते हैं ना। आज मैंने देखा एक गुड़िया को यहाँ से केदार अंग्रेजी बोलते हुए, ये बच्ची जाएगी अमेरिका और जापान और चाइना के अंदर। Thank you.
सरकार है और संतोष जी के हस्बैंड है। सर जी आपका जुलाना में स्वागत है। थैंक यू सर। और हम रोजाना आपकी वीडियो देखते हैं, उससे काफी प्रभावित हैं, जैसा कि आपने अभी देख भी लिया होगा जी सर, क्योंकि काफी जुनून आपने भर दिया है। और मैं कहता हूँ कि आरसीएम के शिखर पुरुष हो आप, तो आप आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो कुछ मैंने पूछना था वो आपने बगैर पूछे पहले ही अपने एपिसोड में बता चुके हो और मैं इसको लाइव प्रकाशित करूंगा लगातार, तो आज जो कुछ आप आखिरी संदेश है वो बताएं। मेरा जो आखिरी संदेश रहेगा वो रहेगा इस देश के युवाओं के लिए। जो युवा हैं आज, उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको उन्हें समझना चाहिए और इसको समझ के एक अच्छी कंपनी के साथ मिलके, जो कि लोगों के लिए काम करती है, उसके साथ मिलके पार्ट टाइम ही सही इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत कठिन है। केवल एक जरिया है डायरेक्ट सेलिंग, जहां वो अपना भविष्य बना सकती है। तो युवाओं को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो आएँ और इस काम के अंदर आगे बढ़ें। तो ये थे सुनील काग सर, जिन्होंने बखूबी आज के सेमिनार को चार चांद लगाए और बहुत कुछ है उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया है। तो दोस्तों आज इतना ही, कल के एपिसोड में कुछ और खास बातें आपको मैं सुनील कागसर जी की बताई हुई आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए आपका संदेश के साथ। अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एपिसोड के जरिए आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेंगी और हम लगातार आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस के बारे में कुछ न कुछ अवगत करवाते रहेंगे। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।